मोशन इन प्लेन अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मोशन इन प्लेन के अंदर, क्या अ पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी मेरे को, यानी कि ux दे रखा 3i कैप और uy दे रखा है क्या j कैप में, कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब j कैप वाली क्वांटिटी क्या हो गई, जीरो। कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे रखा x के अंदर, दे रखा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आई केप को हटा दो, अब आई केप तो अपन देख लिया कि ux ये जो है ux है और uy यहाँ पर है नहीं, है जे केप में कुछ भी नहीं गिवन है, यहाँ पर ये क्या है ax और ये क्या है आपका ay, कितना -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका ay है। नाउ व्हेन द पार्टिकल रिचेस इज मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, तो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसकी पोजिशन वैक्टर क्या होगा, कब, जब पार्टिकल अपना मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट क्या करे, रीच कर। मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट रीच करने का मतलब क्या, उससे ज़्यादा x कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है, मतलब x कोऑर्डिनेट पे जाके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अगर जीरो नहीं हुई तो पार्टिकल चलता रहेगा x के अंदर, क्योंकि x के अंदर एक्सीलरेशन है। तो ये समझ में आ गया कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा मैं, और इसको मैं x डायरेक्शन में लगाऊंगा, क्योंकि उसको मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट रीच करना है, तो x कोऑर्डिनेट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है वहाँ पर, जीरो। x की वेलोसिटी क्या हो जाना है, जीरो, जीरो की होगी क्योंकि उसको उससे ज़्यादा वहाँ जाना नहीं है, इज इट क्लियर, कि तो वहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, जीरो। जैसे मैंने बोला था मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है किसी पार्टिकल की, जीरो हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है कि उससे ज़्यादा जाना नहीं है उसको, वहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना है उसको। वैसे यहाँ पे मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट है तो वहाँ जाके वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए, वहाँ पे अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा क्योंकि उससे ज़्यादा वहाँ पे उसको जाना नहीं है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर जाके उसको रुकना तय है, रुकना तय है, तो x कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ux कितना है, 3, x कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, u कितना है 3 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स पे उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम आएगा। तो इस टाइम पे आपको क्या निकालना है, उसकी वेलोसिटी निकालना है और उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो अगर मैं देखूंगा वेलोसिटी तो क्या हो गई, 3 सेकेंड पे जीरो हो गई, लेकिन वी वाई निकालेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी हो सकती है, वर्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, यू वाई इज जीरो, नाउ प्लस ए वाई कितना है -0.5 इंटू टी कितना 3 सेकेंड्स, तो वी वाई जो आ गया कितना आ गया -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगा तो वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाएगा वी इज इक्वल्स टू वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप। तो ये वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया आपसे, तो इट इज 0 आई केप, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है 3 सेकेंड पे, प्लस वाई कोऑर्डिनेट इज 1.5 जे केप, इट इज योर आंसर फॉर द वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड निकालना है तो 1.5 मैग्नीट्यूड है। नो पोजिशन वेक्टर निकालना है, वेक्टर पूछा है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, पोजिशन वेक्टर पूछा मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, AC इज इक्वल टू SX इज इक्वल टू UXT प्लस, आपको समझ में आ रहा है मैं XX लिख रहा हूँ, YY लिख रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मैं अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशंस लगा रहा हूँ, पूरा X में लगा दिया, SX को बोल दिया मैंने X इज इक्वल टू UX इज, UX इज 3 इंटू टाइम का है 3 सेकेंड्स, क्योंकि 3 सेकेंड पे वो अपना मैक्सिमम X कोऑर्डिनेट रीच कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, 1.2 इंटू -1 इंटू 3 का स्क्वायर, X इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस ऑफ 4.5 इज इक्वल टू 4.5 मीटर। वैसे ही मैं लगा दूंगा SY इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई जीरो, गिवन ही नहीं अपने को वाई जे केप के अंदर कुछ भी, दैट इज हाफ इंटू माइनस ऑफ 1.5 इंटू 3 का स्क्वायर, इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5 इंटू 1.5 दैट इज टू पॉइंट माइनस ऑफ 2.25। तो अगर मैं पोजिशन वेक्टर लिखूंगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस क्या हो जाएगा वाई जे केप, तो योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दैट इज 4.5 आई केप माइनस ऑफ 2.25 जे केप, नोट इट डाउन। नाउ अपन देखते हैं यहाँ पर अ पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ गिवन बाय वाई इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर एंड इट्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की अलोंग जो वेलोसिटी है वी वाई सी टी स्क्वायर है, यू हैव टू फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन, आपको ए एक्स और ए वाई निकालना है, बी और सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट से पॉजिटिव कॉन्स्टेंट से, ठीक है। तो जैसे अपन वी को बोलते थे क्या डी एक्स बाई डी टी, वैसे अपन अब वी एक्स को बोलेंगे डी एक्स बाई डी टी और अपन वी वाई को बोलेंगे क्या डी वाई बाई डी टी, इज क्लियर, क्या समझ रहे हो, वी एक्स और वी वाई समझ में आ रहा है क्या। वैसे ही ए एक्स को बोलेंगे डी वी एक्स बाई डी टी और ए वाई को बोलेंगे डी वी वाई बाई डी टी, समझ में आ गया क्या अंतर है।
dx by dt आप जनरल बोलते थे अपन, अब उसको नहीं बोलेंगे। 2D के अंदर vx को बोलेंगे dx by dt, vy को बोलेंगे dy by dt, acceleration ax को बोलेंगे dvx by dt, उसको बोलेंगे ay को dv by dt। ठीक है, तो अपने को समझाना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि vy is equal to दे रखा ct square, तो vy कितना हो गया dy by dt is equal to हो गया ct square, तो इट इज dy is equal to हो जाएगा ct square dt। इज इट क्लियर? क्या अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू सी, बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। किसी टाइम जीरो पे वाई क्या था? जीरो, क्योंकि यहाँ पे टी जीरो पुट करोगे तो वाई क्या मिलेगा? जैसे मैं एक जीरो पुट करूंगा तो वाई भी जीरो, मतलब इनिशियली में कहाँ पे था? ओरिजिन पे था। एक जीरो पुट करूंगा तो वाई भी जीरो मिल रहा, मतलब इनिशियली में कहाँ था? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे मैं था टी इक्वल टू जीरो पे, और टी इक्वल टू टी पे मैं कहीं और वाई पे आऊंगा, कोई मेरी पोजिशन वाई होगी, तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया फ्रॉम लोअर लिमिट जीरो टू अपर लिमिट वाई इज इक्वल टू सी सी टी क्यूब बाई थ्री। पता है टी स्क्वायर का कितना होगा? टी की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी। तो इसको करा तो ये इट इज वाई माइनस जीरो, इट इज सी टी क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो। तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई सी टी क्यूब बाई थ्री। कितनी आ गई? अच्छे से लिख लेते हैं, सी टी क्यूब बाई थ्री। और y कितना गिवन है आपको? बी वाई स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर। तो ये भी एक y है और एक y अपने को गिवन है, बी एक्स स्क्वायर। ये अपने को क्या है? गिवन है। तो दोनों को कंपेयर किया तो अपन ने क्या किया? कंपेयर करके बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? सी टी। दोनों को कंपेयर किया तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी? एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी? सी बाई बी टी क्यूब बाई थ्री। तो इट इज एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर सी थ्री बी, रूट ओवर सी थ्री बी टी की पावर थ्री बाई टू। इन सबको रूट में लगा दिया और इसकी पावर थ्री बाई टू लगा दिया, इसको थोड़ा सा अलग कर लिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? एक्स की। तो इतना समझ में अपने को आ गया। ठीक है, मुझे x मिल गया, मुझे y मिल गया। ठीक है, तो अब मैं vy निकाल रहा हूँ। vy कितना हो जाएगा? dy by dt। तो एक बार लिख लो, y is equal to ct cube by 3 अपने को पता है, तो मैं इसको मुझे vy पता है ct square, मैं इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लूँगा? पहले तो मैं सीधे सीधे ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए इसको ए वाई लिखूँगा। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज़ सी इंटू टू टी, तो इट इज़ टू सी टी। समझ में आ रहा है क्या? ए वाई तो आ गया अपने पास सीधे सीधे, क्या आ गया? ए वाई। अपने को निकालना है, अब मेरे पास एक्स पता है, एक्स इज इक्वल टू कितना पता है? रूट ओवर सी बाई थ्री बी, ये पूरा तो कॉन्स्टेंट ही है, इंटू टी क्यूब। मैंने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे वी एक्स मिलेगा। समझने की कोशिश करना, कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रखा, ये कॉन्स्टेंट इसको एज इट इज़ लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो थ्री बाई टू आ गया, आ जाएगा टी की पावर थ्री बाई टू माइनस वन, दैट इज़ वन बाई टू। ये डिफरेंशिएशन किया, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहा वी एक्स बाई डी टी, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया तो मुझे ए एक्स मिलेगा। ये थ्री बाई टू सी बाई थ्री भी अगेन कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई टू टी की पावर वन बाई टू माइनस वन। तो जो ए एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा, ये थ्री से रूट थ्री कटेगा तो रूट थ्री बचेगा, तो इट इज रूट थ्री से थ्री से रूट थ्री कटा रूट थ्री बचेगा, रूट थ्री अंदर पहुंच जाएगा कितना हो जाएगा? थ्री सी बी बाई ये टू इंटू टू अंदर जाएगा तो टू बन जाएगा अंदर, सॉरी उसको तो बाहर ही रख दो यार, ऐसा करो थ्री बाई फोर रूट सी थ्री बी टी की पावर कितनी हो गई? माइनस ऑफ वन बाई टू। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर, क्या हो जाएगा? वन बाई फोर रूट ओवर सी थ्री सी बाय बी टी, टी पे अंदर पहुंच गया। ठीक है, ये ए एक्स आ गया और ये ए वाई आ गया, इतना आप लिखिए। नाउ यहां पर अपन पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। मान लो ये ओरिजिन है,
यहाँ पर बॉडी ए है, यहाँ पर बॉडी बी है, ओरिजिन पे खड़े वाले बंदे को दिख रहा है कि इसकी डिस्टेंस एक्स ए है, ओरिजिन पे खड़े वाले बंदे को दिख रहा है इसकी जो पोजीशन है वो एक्स बी है, ओरिजिन पे खड़े वाले बंदे को बोला है, ओरिजिन मेरा हो गया रेफरेंस, इसकी पोजीशन एक्स ए है, इसकी पोजीशन एक्स बी है, पर ए पे खड़े रहने वाले बंदे को जो ये दिख रहा है वो दिख रहा है पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, इट इज क्लियर क्या? ये क्या है आपका एक्स बी माइनस एक्स ही है, तो इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, यानी कि आप हमेशा फॉर्मूला की तरह याद करें, इसको अगर मैंने क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वी विल गेट बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ऑफ, वेक्टर फॉर्म में बेटा विद साइन नहीं है, वैसे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो बी विद रेस्पेक्ट टू ए कैन बी रिटन एज, समझाता हूँ अच्छे से मैं इसको, ए बी माइनस ऑफ ए ए, क्या चीज़ है ये फॉर्मूले ध्यान में रखो, देखो क्या हो गया कि मान लो एक गाड़ी इधर चल रही है ए विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और एक गाड़ी चल रही है बी विद स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मैंने क्या बोला कुछ नहीं बोला 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो बाय डिफॉल्ट इट इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, किसके रेस्पेक्ट में, अ फ्रेम विच इज एट रेस्ट विच इज कॉल्ड ग्राउंड, तो इसकी जो 5 मीटर पर सेकेंड है ए की जो स्पीड है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बी की जो स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो मेरे को अगर वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है ए के रेस्पेक्ट में तो वी कैन राइट इट एज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, आपको समझ में आ रहा है क्या, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 7 सेम डायरेक्शन में माइनस 5, दोनों डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस तो फॉर्मूले का है, तो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको समझ में आया कि ए के रेस्पेक्ट में बी की जो वेलोसिटी है वो सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड बी से ज़्यादा है, इज इट क्लियर क्या, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो इस तरीके से अपन खेलेंगे इस चीज़ों को। अब जितनी भी सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी आपकी, जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पे ये भी रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, ये रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी रिलेटिव के अंदर, एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव, यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, v relative square is equals to u relative square 2a relative dot product s relative, ये सारी इक्वेशन से अपन खेलने वाले हैं। तो इसी के साथ अपन ने ऊपर एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, तो ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है वन डायमेंशन के अंदर, आपको इसको समझना होगा कि कभी भी मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, वेक्टर लिखना ज़रूरी है क्योंकि मैं डायरेक्शन देख के काम करूँगा यहाँ पर, इज इट क्लियर का, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, लिख लेंगे आप इसको, मैं इरेज कर रहा हूँ, when two particles a and b are at point o, a is moving with a constant velocity, यहाँ पर एक point o है, a वाला यहाँ पर है और b वाला यहाँ पर है, when two particles a and b are at point o, same point पे है o पर, ठीक है, a is moving with constant velocity, इसकी velocity 50 meter per second है और ये constant है, यानी कि acceleration a का कितना होगा 0, स्पीड ना बढ़ेगी ना घटेगी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है ए का, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ऑलवेज 0 क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म, इफ द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देर इज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, इफ देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देर इज नो एक्सेलरेशन, इज क्लियर, एंड बी इज नॉट मूविंग, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज 0 बट बी पजेसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पर इसके पास एक्सेलरेशन है बी के पास दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन इसके पास।
आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 125, वो एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो 125 हो जाए, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव डिस्टेंस, ए के रेस्पेक्ट में बी कितना दूर हो उससे, ए के रेस्पेक्ट में बी उससे कितना दूर होना चाहिए, 125, मतलब कि एस ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, नहीं एस ए बी दिया हुआ है 125, मुझे फाइंड करना है कि किस टाइम पे ये होगा, ठीक है तो मैं चेक करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, एस ए बी इज इक्वल्स टू यू ए बी इंटू टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाफ ए बी ए ए बी टी स्क्वायर, इट इज 125, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इनिशियल वेलोसिटी, अगर देखो तो इसकी यू ए ही, ये तो हमेशा कांस्टेंट भी देगी, तो यू ए बी निकालूंगा तो इट इज यू ए माइनस ऑफ यू बी, इट इज 50 माइनस 0 दैट इज 50 ओनली, 50 टी प्लस हाफ ऑफ दैट इज क्या हो जाएगा, अगर मैं ए ए बी निकालूंगा तो इट इज ए ए माइनस ऑफ ए बी, वेर ए ए इज 0 क्योंकि स्पीड क्या यूनिफॉर्म है, दैट इज 10, तो ए ए बी वेक्टर जो है वो कितना आ गया, माइनस 10, माइनस 10 टी स्क्वायर, तो 125 इज इक्वल टू 50 टी माइनस ऑफ 5 टी स्क्वायर, तो इट इज टी स्क्वायर माइनस ऑफ 10 टी प्लस ऑफ 25 इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5 टी माइनस ऑफ 5 टी प्लस ऑफ 25 इज इक्वल टू 0, तो टी कॉमन आ गया टी माइनस 5, माइनस 5 कॉमन आ गया टी माइनस 5 दैट इज 0, इट इज टी माइनस 5 इंटू टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, रूट लगा दे 0 पे तो 0 ही रहेगा, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर इनका जो सेपरेशन है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ए बी से 125 मीटर दूर रहेगा 5 सेकेंड्स के अंदर, नोट इट डाउन। नाउ अपन देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इन टू डायमेंशन, मान लो मेरे पास दो बॉडीज है, द बॉडी ए और यहाँ पर बॉडी क्या है बी है, ठीक है तो यहाँ पर अपने को निकालना है, तो इसमें क्या है बेटा मुझे एक दूसरे की वेलोसिटीज निकालनी सेपरेशन की और अप्रोच की, तो उसमें क्या बोला है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ टू बॉडी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर निकालनी मेरे को, या फिर वेलोसिटी रिलेटिव मत बोलो तो वेलोसिटी बोल दो सिर्फ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है टू बॉडीज की इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज मतलब क्या, मान लो ये ए है, इस ए की वेलोसिटी इधर है वी ए, और ये बी है इसकी वेलोसिटी है वी बी इधर, तो मुझे इनकी वेलोसिटीज निकालना, मान लो ये एंगल थीटा ए है और ये एंगल थीटा बी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर क्या निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, मुझे क्या निकालना है अप्रोच की वेलोसिटी निकालना है या फिर मुझे सेपरेशन की वेलोसिटी निकालना है, तो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी वो भी वेलोसिटी होना चाहिए अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज, द वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज, तो मुझे इसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, तो ये वी है तो ये कितना हो जाएगा वी ए कॉस थीटा ए, मुझे वो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है जो कि इनके लाइन जॉइनिंग द बॉडीज के बीच में आ रहा हूं, ये थीटा बी है तो ये वी बी है तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा वी बी, आपको पता है थीटा के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आता है, आपको पता है ना थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट आता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, ये वी ए है तो ये वी ए कॉस थीटा हो गया और ये वी बी है तो ये वी बी कॉस थीटा बी हो गया, तो मुझे अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं ये जो अप्रोच निकालूंगा तो वो निकालूंगा अलोंग लाइन जॉइनिंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, तो ये हो जाएगा, अगर सेपरेशन बढ़ रहा है
अगर सेपरेशन बढ़ रहा है तो इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और अगर सेपरेशन घट रहा है तो वी विल कॉल इट एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर सेपरेशन घटेगा तो अपन बोलेंगे कि अप्रोच कर रहा है। इट डिपेंड्स इनका मैग्नीट्यूड कितना है, इज इट क्लियर क्या? तो ऐसा है कि सेपरेशन अगर बढ़ेगा तो अपन बोलेंगे इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अगर सेपरेशन घटेगा तो अपन बोलेंगे इट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये लिखा है यहां पर, ठीक है। तो VAB निकालना है मेरे को, VAB अलोंग द लाइन, तो कैसा हो जाएगा? तो मुझे निकालना है VA सेम अलोंग द लाइन जॉइनिंग द A एंड B माइनस VB अलोंग द लाइन जॉइनिंग A एंड B। तो जो सेपरेशन और अप्रोच आती है वो आती है VAB अलोंग द लाइन, दैट इज VA cos थीटा A, दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसको पॉजिटिव ले रहे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, माइनस फॉर्मूले का लगा दिया, इट इज वी बी कॉस थीटा बी। आप समझ रहे हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज। आपको जो भी कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी का वो किधर लेना है, यू हैव टू टेक द कंपोनेंट द वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज, इज इट क्लियर क्या? उसके अलोंग जो वेलोसिटी आएगी उससे आपको निकालना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच की होगी या सेपरेशन की होगी, डिपेंड्स की सेपरेशन घट रहा है तो इट इज अप्रोच, और सेपरेशन बढ़ रहा है तो इट सेपरेशन एक्चुअली, इज इट क्लियर क्या? नाउ यहां पर अगर देखेंगे अपन क्या बोला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन यहीं पे कर रहे हैं अपन। पार्टिकल ए इज रेस्ट, पार्टिकल ए इज रेस्ट एंड पार्टिकल बी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट एज शोन इन द फिगर एट टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, फाइंड देयर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये तो रेस्ट पे ही है, टी इक्वल्स टू 0 पे निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये v है, तो ये v हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, v cos थीटा। तो मुझे जो निकालना है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालना है, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। लेकिन आपको यहां पर जो लेना है वो भी वेलोसिटीज लेना है, लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, लाइन जॉइनिंग द बॉडीज। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो यहां पे लिख दो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट हो रही बॉडी, दिख ही रहा है ये बॉडी रेस्ट पर दूर जा रही है, सेपरेशन बढ़ रहा है, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज नथिंग बट v cos थीटा ओनली माइनस, ये तो 0, ये तो रेस्ट पे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v cos थीटा। समझ में आ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v cos थीटा। ये क्यों लिया, क्योंकि आपको वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है यहां पर जो कि लाइन जॉइनिंग a एंड b के अलोंग आ रहा है, v नहीं लेना है, v cos थीटा लेना, थीटा ये है यहां पर, इज इट क्लियर का? एक क्वेश्चन और देखेंगे, आपको एक कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, ठीक है, नोट इट डाउन। पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग एज शोन इन द फिगर एट टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स 0 पे पार्टिकल ए यहां पर है और पार्टिकल बी यहां पर है, डायग्राम गिवन है अपने को। पार्टिकल ए की स्पीड दे रखी 4 मीटर पर सेकंड, पार्टिकल बी की स्पीड दे रखी 3 मीटर पर सेकंड, ऐसे अपने को स्पीड्स दे रखी है। तो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी की, ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ए और बी को क्या करेंगे, ज्वाइन। याद आ रहा होगा ज्वाइन क्यों कर रहे अपन, क्योंकि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मैं पहले लाइन तो ज्वाइन करूं, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। मैंने माना कि ये एंगल थीटा है, आई हैव सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, ये 4 मीटर पर सेकंड इधर है, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट, ये 3 मीटर पर सेकंड है, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 cos थीटा आ जाएगा, क्या थीटा के अलोंग cos कंपोनेंट, और इसके इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 sin थीटा, ठीक है। आपको पता ही कंपोनेंट रिजल्ट करना आता है, 3 का इधर cos कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलरली भी है क्या sin कंपोनेंट, थीटा के अलोंग cos, उसके परपेंडिकुलर sin। वैसे यहां पे देखिए ये थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्या, अरे बोलो यार, ये थीटा है, ये 90 है, ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया बेटा। अब मैं यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, अभी कैसे करते हैं, यहां पर एक लाइन बना रहा हूं मैं इस प्रकार की, ये लाइन जो मैंने बनाई है ये परपेंडिकुलर बनाई है इस लाइन के, किस लाइन के, इस लाइन के। अब देखो यहां पर समझ में आ रहा होगा आपको, ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा कितना है 90, मैंने बनाई जबरदस्ती लाइन ये वाली,
दिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस ब्लू लाइन. ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये पूरा लीनियर पेयर 180 का होगा. तो से इट इज थीटा, जोड़ो सबको क्या मिलेगा 180. इफ इट इज थीटा तो 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इधर कितना आ जाएगा, 4 cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा 4 sin थीटा. समझ में आ गया, थीटा के अलावा cos और इसके इधर क्या आ गया sin. ठीक है, अब आपको एक ट्रायंगल याद कराया था मैंने, यहीं पर बनाया था बोर्ड पे मैंने ये डायग्राम इस प्रकार का कि इफ इट इज 37 डिग्री तो इट इज 3 4 एंड इट इज 5. याद आ रहा होगा, तो ये 3 और ये 4 है, तो मालूम पड़ गया ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री. तो यहां से समझ में आ गया कि साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी 3/5 एंड कॉस 37 की वैल्यू कितनी होगी 4/5. इस ट्रायंगल से समझ में आ गया अपने को, ट्रायंगल बना लेना, आपको नहीं पता वैल्यूज लिख लेना. ठीक है, अब नाउ मुझे t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल a और b यहां पर, और मुझे पहला पार्ट बोला है कि यू हैव टू फाइंड द सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट t इक्वल्स टू 0. तो इसी पोजीशन मुझे सेपरेशन निकालना है, तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ये नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ लिखूंगा चलो लिख भी दो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b. अगर मुझे सेपरेशन निकालना है तो ये सब का लेनी पड़ेगी अलोंग ab, ये सारी वेलोसिटीज का लेनी पड़ेगी अलोंग ab. तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b अलोंग ab निकालूंगा, यानी कि क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, ये इधर जा रहा है, मैं वो कौन से वेलोसिटीज लेने हैं अलोंग ab, मुझे कंसीडर सिर्फ ये वेलोसिटीज करनी है अलोंग द लाइन ab, मुझे ये वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में जो पार्टिसिपेट करेगी वेलोसिटी वो सिर्फ अलोंग द लाइन जॉइनिंग a एंड b, ये बात करी थी. इफ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देन वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन a एंड b अलोंग द लाइन जॉइनिंग a एंड b. तो इतना समझ में आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ a की बात करेंगे तो इट इज 4 sin थीटा माइनस वी हैव टेकन दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी नेगेटिव जस्ट अपोजिट. तो माइनस तो फॉर्मूले का और एक और माइनस आ जाएगा दैट इज 3 cos थीटा. आपको समझ में आ रहा माइनस क्यों आया, ये वेक्टर बेटा. अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे अपन, यहां पर एक डायग्राम समझा रहा था मैं आपको, क्या डायग्राम समझा रहा था मैं आपको, ये a है ये b है ये va है, ये समझा रहा था मैं आपको यहीं पर, ये vb है, ये एंगल थीटा ए है ये एंगल थीटा बी है, तो दोनों के कॉस कंपोनेंट इधर आ रहे थे वी ए कॉस थीटा ए और इधर आ रहा था वी बी कॉस थीटा बी. मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, इसको पॉजिटिव लिया था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालूंगा या अप्रोच निकालूंगा तो इट इज वी बी कॉस थीटा बी, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक फॉर्मूले का माइनस आएगा क्योंकि हमेशा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है, तो इट इज वी ए कॉस थीटा बी. तो यहां पर मैंने प्लस नहीं किया, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो मैंने यहां पर माइनस लिखा था बीच में, अभी भी माइनस तो मैं लिख रहा हूं फॉर्मूले का, बट ये माइनस किसके आ रहा है, ये डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी नेगेटिव. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम आउट टू बी 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 4 इंटू साइन 37 इज थीटा, हियर थीटा इज 37, पुट कर दो यहां पर, थीटा इज 37 कैसे आया फ्रॉम द डायग्राम 3/5 and 3 into and it is 4/5. So velocity of separation is 12/5 and 12/5, it is 24/5 meter per second is the velocity of separation. ठीक है, मैं इसको erase कर रहा हूँ. Now second part, मुझे 1 second तो बताना है. तो ये 4 meter है 3 meter है, अब मेरी बात समझेंगे आप इसको. ए की जो वेलोसिटी वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड और बी की वेलोसिटी वो कितनी है 3 मीटर पर सेकंड. मतलब इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में 4 मीटर चलता है और ये 1 सेकंड में 3 मीटर चलता है. तो 0 सेकंड पे इनकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी और 0 ये t इक्वल्स टू 0 पे था ये सिनेरियो, ये t इक्वल्स टू 0 पे था सिनेरियो. एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड 1 सेकंड बीतेगा तो ये कितना चलेगा 4 मीटर और चलेगा क्योंकि इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड. 4 मीटर पर सेकंड मतलब क्या होता है हर 1 सेकंड में 4 मीटर चलेगा. तो अभी ये 4 मीटर चलेगा 1 सेकंड बाद, t इक्वल्स टू 0 पे तो यहां पे था, अब 1 सेकंड होने के बाद ये 4 मीटर पर सेकंड चलेगा, मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर चलेगा. ऑलरेडी 3 मीटर पे था, 4 और चलेगा कितना हो जाएगा 7. यहां पे देखो ये ऑलरेडी 4 पे था, 1 सेकंड में 3 मीटर चलेगा क्योंकि स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में ये 3 मीटर आगे चल जाएगा. दैट इज 4 प्लस 3 दैट इज 7, मतलब दोनों की पोजीशन 7 हो जाएगी. ए एंड बी
आर 7 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन 7 मीटर. अब इनकी लाइन ज्वाइन कर दी अपन ने, ये लाइन ज्वाइनिंग एंड भी हो गई. अगर ये 7 है, अगर मैं लिखूं 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी सेम है, बेस भी सेम है, तो थीटा विल बी 45 डिग्री, क्योंकि कट जाएगा 7/7 इज 1 एंड 10 45 इज 1, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री. अंडरस्टूड हो गया ये, ये 45 डिग्री है एंड इट इज 3 मीटर पर सेकंड से ये भी जा रहा है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, तो इट इज ऑल्सो 3 cos 45 डिग्री. इसके परपेंडिकुलर तो कितना जाएगा 3 sin, निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसको तो अपने को अलोंग वाला ही चाहिए. ठीक है, अब यहां पर ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, ये थीटा 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री. अगर मैं यहां पे इस तरीके से लाइन बनाता हूं एक परपेंडिकुलर वाली, तो ये कितना होगा 90, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री. तो यहां पर कंपोनेंट आ जाएगा एक 4 cos 45 डिग्री, और इधर आ जाएगा कितना 4 sin 45 डिग्री. मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो मैं देखूंगा 4 sin 45 डिग्री, माइनस होता है फॉर्मूले का, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता ही है हमेशा, और ये डायरेक्शन अपोजिट है, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, सिमिलर वे मैं इसको नेगेटिव लिया, तो इट इज़ माइनस ऑफ 3 cos 45 डिग्री. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट इक्वल्स टू 1 सेकंड, दैट इज 4√2, क्योंकि ये 1/√2 होता है, प्लस ऑफ 3√2, दैट इज 7/√2 मीटर पर सेकंड इज योर आंसर. नोट इट डाउन.